अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर जो है लॉन्च किया है थ्रेड्स के नाम से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड्स आखिर है क्या और इसका किस तरह यूज़ करते हैं और इसमें किस तरह अकाउंट बनाते हैं। तो बेसिकली थ्रेड्स जो वो सेम लाइक ट्विटर है, जैसे आप ट्विटर यूज़ करते हैं और ट्विटर में ट्वीट करते हैं, ये इंस्टाग्राम का एक नया फीचर है जिसको आप सेम लाइक ट्विटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह यूज़ करना है और इसमें किस तरह अकाउंट बनाना है। सबसे इसके लिए आपने अपना इंस्टाग्राम जो है वो उसको ओपन कर लेना। इस इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद अपने जो है प्रोफाइल वाले जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर लेना। प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने थ्री लाइंस के ऑप्शन के ऊपर आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखो दोस्तों, सेकेंड लास्ट जो है वो ऑप्शन आपके सामने शो हो गया थ्रेड्स के नाम से। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको नीचे गेट थ्रेड्स के नाम से ऑप्शन शो होगा, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने प्ले स्टोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। प्ले स्टोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों प्ले स्टोर के सामने आपके सामने ये थ्रेड इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो आपके सामने शो हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। अपने इंस्टॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ओपन का ऑप्शन शो होगा, आपने सिंपली ओपन के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर जो आपका इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो आपके सामने जो हो जाएगा। आप या इसमें से यहाँ इसे इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सिंपली इंस्टाग्राम के जो आपके सामने नीचे यूज़र नेम शो हो रहा है, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम का जो आपने यूज़र नेम पहले लगाया हुआ वो और यूज़र नेम और नेम जो है वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन आपके सामने बायो का है और थर्ड ऑप्शन आपके सामने लिंक का है। जैसे कि मैं बायो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप कोई भी अपनी जो है बायो जो है वो थ्रेड में जो बायो लिख आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और नीचे लिंक का ऑप्शन है और कोई भी अपना सोशल मीडिया का लिंक जहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और नीचे सबसे नीचे जो ऑप्शन है इम्पोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, यानी इंस्टाग्राम में आपका जो भी लिंक बायो जो भी आपने ऐड किया हुआ या इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपने इंस्टाग्राम पे अपना बायो और जो सोशल मीडिया का लिंक ऐड किया हुआ वो ये ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर इम्पोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर सिंपली दोबारा कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने जो है अकाउंट को पब्लिक रखना चाहते हैं तो आप पब्लिक रख सकते हैं। और नीचे प्राइवेट का ऑप्शन है भी आपके सामने शो हो रहा होगा। अगर आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं तो नीचे आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट कर लें, अगर पब्लिक रखना चाहते हैं या प्राइवेट रखना चाहते हैं उसके ऊपर सेलेक्ट करके नीचे आपने सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं अपने अकाउंट को जो है पब्लिक रखना चाहता हूँ तो मैं पब्लिक को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आपके सामने शो होगा, यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिंपली ज्वाइन जो है ज्वाइन थ्रेड्स के ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अलाउड के ऑप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये सेम लाइक ट्विटर की तरह है, जैसे वो ट्विटर में ट्वीट किए होते हैं ये यहाँ पर थ्रेड किए होते हैं। ये आपके सामने हमारा जो है वो अकाउंट जो है रेडी हो गया है और ये सब वो लोग हैं जो जिन्होंने जो है थ्रेड किए हुए हैं। जैसे ट्विटर पर ट्वीट किए होते हैं यहाँ पर वो थ्रेड का ऑप्शन है, वो यहाँ पर थ्रेड किए होते हैं। इनमें से किसी को भी आप चाहें वो लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को रिपोर्ट करना चाहें या वो रिपोर्ट वो यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली अपने प्रोफाइल के ऑप्शन को जो है वो नीचे कॉर्नर के ऊपर उसके ऊपर प्रेस करें। यहाँ पर आप आपको यूज़र नेम और नेम और कोई भी अपने प्रोफाइल पिक्चर वो चेंज कर सकते हैं। सेकंड में जो है वो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने जो भी पोस्ट किए होंगे उसके ऊपर किसी ने लाइक किया कमेंट किया वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। और नीचे जो पेंसिल का ऑप्शन है सेंटर में उसके ऊपर ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से दोस्तों आप कोई भी जो है वो थ्रेड लिख कर वो पोस्ट कर सकते हैं या कोई भी
वीडियो या पिक्चर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक इसको क्लिक करता हूँ, गैलरी को अलाउड कर देता हूँ। अलाउड करने के बाद यहाँ से कोई भी जो है मैं एक पिक्चर वीडियो कोई भी एक जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर जो आपको डन का ऑप्शन जो है वो शो होगा, उसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो लिखने के बाद दोस्तों आपको नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद आपको नीचे पोस्ट का ऑप्शन आपके सामने शो होगा, आपने सिंपली पोस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। इसी तरह आप दोस्तों कोई भी जो आप पोस्ट आप वीडियो या कोई भी वो जो है वो थ्रेड्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो मैंने अभी थ्रेड्स की हैं वो हमारे सामने शो हो गई हैं। आपको मेन पेज के ऊपर होम पेज के ऊपर जाकर दिखा भी देता हूँ, ये देखिए आपके सामने शो हो गया जो मैंने अभी थ्रेड्स किया है। इसी तरह आप इसका आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं।